हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल सिंह, अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ़्लाइट बुक करने में, और फ़्लाइट कहां से ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, क्योंकि आपको पता है US के लिए, UK के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, UAE के लिए, सऊदी अरब के लिए, सभी जगह से फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं दोस्तों। तो कई लोगों का क्वेश्चन था, सर हमें फ़्लाइट मिल नहीं रही है, कैसे बुक करनी है, कहाँ से बुक करनी है। दोस्तों, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद पर्सनली चेक किया है इंडिया कॉल करके। ये देखिए दोस्तों, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये 4-5 नंबर हैं एयर इंडिया के नंबर, ठीक है दोस्तों। एयर इंडिया, कई लोगों को पता नहीं है, चार्टर फ्लाइट भी चला रही है और इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है ना। जो नॉर्मल VBM है उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग फंसे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। जो लोग फंसे हुए हैं उन देशों में जहाँ की एक आध फ्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट चल रही है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सर मतलब हम किस तरह से आएँ, क्योंकि VBM की फ़्लाइट्स बहुत कम है, उनके पास कॉल नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरी जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, वो बहुत ही इस तरह के लोगों के लिए हैं जो कि आपकी पहुंच से बाहर हैं, वो आप पता नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ये नंबर जो मैं दे रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं कि जिनके पास अगर ग्रुप्स हैं, 50-60 के ग्रुप हैं दोस्तों, तो ये फ़्लाइट बुक कर सकते हैं एयर इंडिया की, ठीक है। मैंने इनसे पर्सनली कन्फर्म किया है कि अगर आपके पास 50-50 के 3 ग्रुप हो जाते हैं, और अगर 150 लोग भी हो जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और आपकी फ़्लाइट भी बुक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप किसी कंट्री से आना चाह रहे हैं, VBM की फ़्लाइट्स भी चल रही हैं उस कंट्री में, ये उन्हीं के लिए दोस्तों, जहाँ पर फ़्लाइट्स ऑलरेडी चल रही हैं लेकिन इतनी कम है कि आपके पास नंबर नहीं आ रहा है, या आपको अता पता नहीं है कि किस तरह से फ़्लाइट बुक होगी VBM की, क्योंकि VBM की तो कॉल आ रही है, आपके पास कॉल भी नहीं आ रही है। एम्बेसी में किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ से आपका नंबर किसी भी हालत में अभी आने की आशंका नहीं है आपको। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप इनके नंबर पर कॉल करिए और उनको बताइए कि सर हमारे पास लड़के हैं, 50-60 लड़के हैं, या कहीं कोई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो वो मैं देखिए, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। तो उस मैसेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भी नंबर आए मेरे को, ठीक है। तो दोस्तों, ये वो नंबर हैं जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर एक फ़्लाइट भी एयर इंडिया की चल रही है दोस्तों, ये आपकी मदद करेंगे। मैंने इनसे पर्सनली बात की दोस्तों कि ये कितने मिनिमम लोग ले जा सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि सर देखिए, लोग तो मतलब 50-60 भी जा सकते हैं, बस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है इसकी, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको अगर देखिए, कॉस्ट कम करने के लिए लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखिए आप एम्बेसी के आसपास हैं, एम्बेसी पर डेली जाते हैं, तो आपको 150-200 लड़के दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसी मान लीजिए किसी कंट्री में फंसे हुए हैं और आप डेली के बहुत कम फ़्लाइट चल रही हैं, बहुत दिनों से नहीं चल रही हैं, तो ये सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, जहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो भी ट्राई करें तो आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए चलते हैं हम US, UK और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं US को। तो देखिए, US ने जो इंडिया ने वंदे भारत मिशन 5 के अंतर्गत काफ़ी सारी फ़्लाइट्स USA के लिए चलाई हैं दोस्तों, ठीक है। 180 के आसपास फ़्लाइट्स हैं टोटल, जो फ़्लाइट्स हैं वो बुकिंग अभी शुरू हो गई है। वो आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, नेवार्क, दिल्ली, न्यूयॉर्क, सॉरी अहमदाबाद, मुंबई, 29 जुलाई से 30 अगस्त तक, थ्राइस अ वीक, ठीक है, मतलब 3 दिन एक वीक में, इस तरह से बताया हुआ है। तो देखिए, सारे मुंबई से नेवार्क, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, शिकागो, ये सारा कुछ बताया हुआ है दोस्तों। कहाँ से बुक होगी, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, एयर इंडिया की वेबसाइट से, बुकिंग ऑफिस से, और ऑथराइज जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपके घर के पास हैं, ठीक है, बड़ी कोई ट्रैवल एजेंसी है तो वहाँ से बुक करा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी कम रहता है एयर टिकट के पैसे गंवाने का दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पहले भी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स इन्होंने की थी, लेकिन फिर कम कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो ये वाला फेज़ है, इसमें 180 फ़्लाइट्स ये चला रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने 5th फेज़ के लिए ये सारी फ़्लाइट्स ओपन की हुई हैं, आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको कॉल आएगी, इसमें आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढनी है आपको, देखिए, आप एयर इंडिया की साइट पे जाएंगे, एयर इंडिया की साइट पे जो मेन पेज होता है उस पर नो मोर लिखा रहेगा, नो मोर पे जब आप ये खोलेंगे, तो इसमें देखिए, ये जो ये
फिफ्थ अगस्त फिफ्थ फेज़ वाली दो हैं, ठीक है, पहली लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है ए और बी। ए और बी में अगर आप देखोगे तो एक लिस्ट में तो जो आपके गल्फ कंट्रीज़ वगैरह हैं उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एक दूसरी में जो है वो आपको यूके और यूएसए की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोस्तों देखिए इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें क्या है कि बिश्केक, बैंकॉक, शारजा, दोहा, अबू धाबी, तो गल्फ कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ की चीज़ें दे रखी हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक तरफ से फ़्लाइट जाने के लिए है, इंडिया से देशों में जाने के लिए है, और दूसरी एक लिस्ट है जिसमें से देशों से इंडिया में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं इसमें, और देखिए कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको बताया जाएगा कि ये टाइम, जैसे कल बताया गया था कि यूएई के लिए 4 बजे से फ़्लाइट्स स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर बताया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फ़्लाइट्स हैं जहाँ पर आपको बताया नहीं जाता, VBM की कॉल आती है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना होइए, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली जो लिस्ट है जो गल्फ कंट्रीज़ वाली है, इसमें आपको जो स्पेशली सऊदी अरब की है, तो इसमें आपको कॉल जाएगी दोस्तों, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें बुक। लेकिन जो यूएई वाली जो साइट है उसमें आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ट्विटर पर रहिए, ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लीजिए, उसमें आप देखते रहिए, क्योंकि उसमें टाइम शेड्यूल दे देते हैं दोस्तों, ठीक है, कि ये होने वाला है ये नहीं होने वाला। देखिए इस तरह से यूएसए की भी इन्होंने दी हुई है, ये देखते रहिए, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बना के रखना है। ट्विटर पे क्या करते हैं, ये टाइम शेड्यूल दे देते हैं कि आज शाम को 4 बजे से स्टार्ट होने वाली है, जैसे कल इन्होंने बोला था यूएई के लिए स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो और कौन सी डायरेक्ट होंगी, कौन सी इनडायरेक्ट होंगी, ठीक है, अब जैसे यूएस की हो रही हैं डायरेक्ट हो रही हैं, यूके की भी डायरेक्ट जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें बुक कर सकते हैं टिकट्स जो ओपन हो चुकी हैं, तो आप अगर जाके देखेंगे तो हो सकता है सस्ती टिकट अभी ख़त्म भी हो रही हो, ठीक है, महंगी, क्योंकि इनका एक और चीज़ है दोस्तों, आप जैसे आप शुरुआत में टिकट बुक करा लेंगे तो थोड़ा सस्ती हो जाती है, अगर आप 3-4 घंटे लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, टिकट बुक महंगी भी होती जाती है, 4-5 हज़ार रुपये महंगी होती जाती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 28 जुलाई से बुकिंग स्टार्ट की है, कहाँ की है, इंडिया टू यूके, ठीक है, यूएसए की बात कर चुके दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, अब यूके पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यूके पे देखिए मैं इसमें एक गलती भी ढूंढी है, ठीक है, इस लिस्ट में आप देखिए इन्होंने तीसरे नंबर पे इन्होंने लास्ट में देखिए फ्राइडे लिखा हुआ था, एवरी फ्राइडे और अमृतसर के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी थर्सडे, ठीक है। चलिए ये तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो या मेरी समझ ना आ रहा हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप जब टिकट बुक कराएंगे तो उसमें क्लियर आएगा, ठीक है, कि फ्राइडे को है या थर्सडे को है, जो भी है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए लंदन से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लंदन से यूके से किस तरह से बुक हो सकती है, तो डायरेक्ट बुकिंग है, आप इसमें कर लीजिए दोस्तों, और तुरंत हो भी जाएगी अभी, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे एक बार भर गई तो फिर क्या करो, फिर अगेन आप पूछेंगे कि सर दोबारा फ़्लाइट नहीं होगी या फिर कैसे डायरेक्ट होगी, क्योंकि एक मौका आया है डायरेक्ट करने का, तो आप डायरेक्ट बुक करा लीजिए, पूरे महीने चलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी फ़्लाइट्स हैं इस बार, ये अच्छी बात हुई है, ठीक है दोस्तों। तो बुकिंग विल ओपन ऑन 28 जुलाई, 14 मतलब 2 बजे शुरू हो गई होगी दोस्तों, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी हैं, मैंने अभी भी देखी थी साइट में, तो बुकिंग है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सऊदी अरब की, ये देखिए एक, देखिए मैं वही चीज़ बोल रहा था कि देखिए जेद्दाह से एक जो फ़्लाइट आई है कोचीन के लिए दोस्तों, ठीक है, तो ये न्यूज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। कोई अगर ये बोलता है कि नहीं चल रही हैं तो वो गलत बात है, स्पेशल फ़्लाइट्स VBM के अलावा भी चल रही हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो एयर इंडिया का शुरुआत में मैंने जो फ़ोटो दिखाया है आपको, अगर उन नंबरों पे आप कॉल करेंगे तो वो फ़ोन उठाएंगे और तरीके से बात भी करते हैं दोस्तों, वो आपसे पूछते हैं कि सर आपके पास कितने आदमी हैं, ठीक है, लेकिन उस देश में हाँ पहले से फ़्लाइट चल रही हो, ऐसा नहीं है कि किसी देश में चल ही ना रही हो, लेकिन अब यहाँ देखिए एक फ़्लाइट आई है तो दूसरी भी जा सकती है, मैं कहने का ये मतलब है, तो वो पूछते हैं आपसे कितने आदमी हैं, ठीक है। टिकट के पैसे वो बाद में बताते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास ज़्यादा आदमी हैं, 180 आदमी हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं, तो वो उसके हिसाब से पैसे बताते हैं, लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग, तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है दोस्तों, मेल आ रहा है कि हम फंसे हुए हैं या तो कनाडा में फंसे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कनाडा में फंसे हुए हैं या किसी और देश में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और 150 के आसपास हैं, तो आप सीधे एयर इंडिया जो मैंने बोला है उस नंबर पर कॉल करिए और बोलिए 150 लोग हैं, आपकी सरकार मदद करेगी और डायरेक्ट आपको लेके आएगी दोस्तों, ठीक है।
देखिए ये ऑलरेडी दमाम और ये वाली जो ये लिस्ट दे रखी थी ये आप एक बार चेक कर लीजिए, ये भी फ़्लाइट जा रही हैं, ये VBM के थ्रू हैं लेकिन दोस्तों ठीक है। अब देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, एक का मेल भी आया था कि किस तरह से फ़्लाइट्स मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगर आप ट्विटर पे हैं तो ये वाला जो blog.airindiaexpress है ये क्लिक कर लीजिए, या फिर अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर अगर डायरेक्ट जाएंगे तो आप जब मेन पेज देखेंगे दोस्तों तो उस पर सीधे सीधे लिखा हुआ आएगा वंदे भारत मिशन 5। ठीक है, तो हरदीप सर जी ने ये काम इस बार अच्छा किया है कि सारी जो फ़्लाइट्स प्लस जो आपकी एयर इंडिया के साथ इंडिगो भी ले लिए साथ में, ठीक है ना, और काफ़ी सारी प्राइवेट एयरलाइंस भी ले ली हैं जो कि लाएंगी शायद, ठीक है, वो भी एयर बबल के तहत इन्होंने चलाने की कोशिश की है। तो मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन सी फ़्लाइट चलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की जब आप साइट खोलेंगे दोस्तों तो इस तरह की लिस्ट मिलेगी वंदे भारत मिशन 5 की, जो कल अपडेट नहीं थी लेकिन कल लेट नाइट अपडेट हो गई थी शायद, ठीक है, जब मैंने वीडियो बनाई थी तब अपडेट नहीं थी लेकिन लेट नाइट, क्योंकि मैंने बताया भी था कि हो जाएगी 2-3 घंटों में। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह की आपको दो शीट मिलेंगी, ठीक है, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट हैं, ठीक है, तो एयर इंडिया की मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, एयर इंडिया पे आपको किस तरह से देखनी है फ़्लाइट्स, और एयर इंडिया एक्सप्रेस पे भी दिखा दिया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का आपको आएगा फेज़ 5 शेड्यूल, डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोड करनी है पूरे महीने आप देखते रहेंगे बार बार तो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो एक बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी साइट पे अगर आपको चेक करना है तो सारे फॉर्म, देखिए मान लीजिए आपको जाना ही है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको 2-3 फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो वो सारे फॉर्म है ना इसी साइट पे दोस्तों आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो इसी के नीचे सारे फॉर्म दे रखे हैं, वो एक एक करके क्लिक कर दीजिए और अपना टाइम बचाइए और सारे फॉर्म देखिए, जैसे स्क्रीनिंग प्योर हेल्थ की जो PCR है, ठीक है, ICMR की जो लिस्ट है पूरी, लोग मांग रहे हैं लिस्ट, ठीक है, वो दे रखी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर, ICMR की पूरी लिस्ट दे रखी है, अंडरटेकिंग का फॉर्म दे रखा है, तो दोस्तों सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस आपको क्लिक करना है और वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है, पहले से ही भर के रखिए क्योंकि आपको लेट ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैंने आपको इसमें थोड़ी सी अलग सी चीज़ भी बताई है, ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को यूज़ करिए, एयर इंडिया को डायरेक्ट कॉल करके देखिए, चार्टर फ्लाइट्स हो सकती हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप किसी कंट्री में अगर फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली आप देश में आ जाएंगे, अगर उस देश से पहले से फ़्लाइट एक भी चल रही है तो, ठीक है, एयर इंडिया की अगर एक चल रही है तो ये भी चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं, मोटिवेट होता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं और हेल्प मिलती रहे दोस्तों आप लोगों को भी और मुझे भी मोटिवेशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।